हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। और ये वीडियो मैं क्लास नाइन्थ के सेल्स का लेके आई हूँ। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए ये है। इसके पहले तक मैंने आपको एनसीईआरटी कंटेंट पढ़ा दिया था, माइटोसिस मियोसिस इसके पिछले वीडियो में कराया है। एनसीईआरटी का हमारा बहुत कम कंटेंट है इसमें, तो हमने मैंने पीपीटी ना बना कर डायरेक्टली मैं आपको किसी साइट पे ले जाती हूँ जहाँ पे प्रॉपर हमें वहाँ मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा एनसीईआरटी का कंटेंट है। मेक अ कंपैरिजन बिटवीन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। तो हमको ये कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में जो हैज अ सेल वॉल नहीं होता है। यहाँ पे होगा एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल। तो हमारा पहला डिफरेंस होगा कि एनिमल सेल में डज नॉट हैव सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ ये करेंगे कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। हम यहाँ लिखेंगे डज नॉट हैव सेल वॉल, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होने की वजह से सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बट प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पीछे सेल वॉल होता है। इट डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल क्लोरोप्लास्ट नहीं कंटेन करता है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ठीक है, आप इसको लिख लेंगे डज नॉट हैव सेल वॉल लिखेंगे एनिमल सेल में, और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इट हैज सेंट्रोजोम, ठीक है। इट डज नॉट हैव सेंट्रोजोम, इट डज नॉट हैव सेंट्रोजोम, यहाँ पे इट डज नॉट हैव सेंट्रोजोम, ठीक है। वैक्यूल आर स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉलर वैक्यूल होता है, ठीक है। एनिमल सेल में स्मॉलर होता है, प्लांट में वैक्यूल बहुत 50-90% प्लांट सेल का कवर होता है वैक्यूल से। लाइसोजोम आर लार्जर इन नंबर। एनिमल सेल में लाइसोजोम ज्यादा होता है, प्लांट सेल में बहुत कम होता है। और प्रोमिनेंट गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट, सब यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट। तो ये हम नहीं लिखेंगे, गोल्जी बॉडी वाला हम छोड़ देंगे, हम ऊपर के चार लिख लेंगे, ये हम इसको कट कर दे रहे हैं। फिर हमारा अगला है, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब एंसिएंट, जिसमें कि न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन से बाउंडेड ना हो, ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं। तो हम लिखेंगे मोस्ट प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोकैरियोटिक होते थे। मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर। दूसरा, साइज ऑफ द सेल आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 to 5 μ, और साइज ऑफ सेल इसमें 50 to 100 μ। इट कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोजोम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या है, सिंगल क्रोमोजोम करता है। यूकैरियोटिक क्या करता है, इट कंटेन मोर देन वन क्रोमोजोम। अगला है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एब्सेंट, सॉरी न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड्स होता है, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें जो है उसके आउटर मोस्ट को कवर नहीं कर रहा है। अगला है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन सच एज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ETCR एब्सेंट होता है। मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है और यूकैरियोटिक में होता है। सेल डिवीजन अकर थ्रू बाइनरी फ्यूजन। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन से होता है, और हमारे अंदर जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें माइटोसिस से होता है, और मियोसिस भी होता है जो गैमेट सेल में। तो हम माइटोसिस लिखेंगे और यहाँ बाइनरी फ्यूजन से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख लेंगे। तो फिर से हम इसको ओपन करेंगे और अपनी ड्राइंग को हम इरेज करेंगे, क्लियर करेंगे। अगला हमारा है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्चर और ब्रेक डाउन। आंसर, If ever the plasma membrane ruptures or break down, then the cell will not be able to exchange material from its surrounding by diffusion. As a result of its protoplasmic material will disappear and cell will die. आपको पता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है उसको कि अननेसेसरी चीजें ना अंदर आए, डिफ्यूजन के प्रोसेस से या ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर को अंदर लेके जाता है। तो जब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नहीं अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो सेल भी डाई
हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इज देयर नो गोल्जी एपरेटस। आंसर लिखेंगे गोल्जी एपरेटस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का काम, स्टोर भी करता है, मॉडिफाइड भी करता है, पैक भी करता है। इफ गोल्जी एपरेटस इज नॉट देयर देन मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय सेल विल नॉट बी पैक्ड एंड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ये एक तरह से कुरियर सर्विस का काम कर रहा है, तो कुरियर सर्विस हमारी बंद हो जाएगी। विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियाज आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई लाइफ इन, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, माइट्रो इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारा अगला है, फिर से मैं इसको ओपन करती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है स्पॉटलाइट निकालती हूँ क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। देख सकते हैं पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडोनिन रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी करेंसी के फॉर्म एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसिस? लिपिड्स आर सिंथेसिस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द प्रोटीन आर सिंथेसिस इन एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां राइबोसोम लगा होता है। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कि हम सेवेंथ में भी पढ़ा है, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और वो जो है खाने के चारों तरफ से कवर कर लेता है, जब फूड आ जाता है तो फूड वैक्यूअल वो बन जाता है, वहीं से फूड का डाइजेशन होकर कॉम्प्लेक्स चीजें ब्रेक डाउन हो जाती है और सिंपलर फूड पार्टिकल बन जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको वैक्यूअल देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव इन द सेल एंड थ्रो आउट रिजल्टिंग इन एक्सक्रेशन। इसको हमने एक नाम भी दिया था, हमने इसको क्या दिया था, एक नाम दिया था, एंडोसाइटोसिस दिया था। आपको याद होगा ये अमीबा के केस में एंडोसाइटोसिस हमने बोला था इस प्रोसेस को जो अमीबा में हो रहा है। अगला है व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच वाटर मोलिक्यूल, मतलब वाटर मोलिक्यूल या सॉल्वेंट भी हम लिख सकते हैं, मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें दो चीजें आपको लिखनी है, तीन चीजें, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है जहां वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, मतलब वाटर डाइल्यूट, वहां डाइल्यूशन जहां ज्यादा हो, जहां पानी बहुत ज्यादा हो वहां से कम की हो। और दूसरा हमारा क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है। और तीसरा यहाँ पे गैस और सॉलिड लिक्विड का नहीं होता है, यहाँ केवल वाटर का फ्लो होता है, तो वाटर को हम सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ केवल वाटर का फ्लो होता है। तो ये आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। और हमारा एक क्वेश्चन है जो कि कई सारे बुक्स में नहीं है, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, टेक 4 पील पोटैटो हाफ्स एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स, उसको बनाना है हाफ से स्कूप से निकाल के। वन ऑफ द पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो, और एक जो है हमें बॉइल्ड पोटैटो से बनाना है। पुट ईच पोटैटो कप इन थ्रो कंटेनिंग वाटर नाउ, और हमें जो है इसको किस में डालना है, वाटर में डालना है। कीप कप ए एम्प्टी, कप ए को एम्प्टी रखना है। पुट 1 टेस्पून शुगर इन कप बी, और तीसरे में क्या करना है, ये कंडीशन दिया हुआ है, कप सी में हमें सॉल्ट डालना है, डी में पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल पोटैटो कप डी। अब बॉइल पोटैटो कप डी में रखा है, तो हमने क्या किया, बॉइल पोटैटो को क्या किया, उसमें हमने क्या दिया, शुगर डाल दिया। तो कीप दीज फॉर 2 आवर, देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप एंड आंसर द फॉलोइंग। Explain why water gather in the hollowed portion of B and C. तो इसका आंसर है water accumulates in the hollowed portion of B and C. B और C को हमने hypertonic solution बना दिया है. A difference in water concentration is observed. Thereby endomysis osmosis is occur. Then cell act as a semi-permeable membrane. ठीक है। दूसरा है पोटैटो ए इज एसेंशियल इन द एक्सपेरिमेंट एज इट सिग्निफाइंग टू कंपेयर डिफरेंट सिनेरियो बीन पोटैटो कप्स बी सी एंड डी। द पोटैटो ए इज एक्सपेरिमेंटली क्लियरली शो दैट पोटैटो कैविटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट ब्रिंग अबाउट वाटर मूवमेंट। ये नॉर्मल वाटर में रखा गया है। अगला है कप ए डज नॉट शो एनी चेंज, कप ए में कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा।
क्योंकि द वाटर फ्लो कंसेंट्रेशन फॉर ऑस्मोसिस अकर विच रिक्वायर द कंसेंट्रेशन टू बी हायर देन अदर सेल इन कप डी आर डेड. कप डी में हमने बॉइल करके सेल को मार दिया है, दस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर वाटर फ्लो. और वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी नहीं है तो वाटर फ्लो नहीं होगा और डी वाले में ऑस्मोसिस अकर नहीं होगा. तो ये पुरानी बुक्स में नहीं है और ये नई बुक में है. दो चीजें, दो क्वेश्चन नई बुक में है. अगला है विच टाइप ऑफ सेल डिविजन रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. तो इसके एक के लिए माइटोसिस होगा, सेल बॉडी हमारी ग्रोथ कर रही है तो उसके लिए माइटोसिस होगा, और मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के लिए होगा जहां पे मेल और फीमेल गैमेट जो है बनके जाइगोट बनाते हैं. दैट इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी वेयर एज माइटोसिस मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिविजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. तो ये दोनों मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है. तो अब अगर वीडियो आपको पसंद आता है, इसको मैं जरा सा हटा देती हूँ स्क्रीन शेयरिंग को. अगर आपको अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट नोट्स है. अब मैं इम्पोर्टेंट नोट्स का वीडियो रिलीज करूंगी. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.